हेलो दोस्तों, वेलकम है, आपका स्वागत है मेरे चैनल हुसैन सद्दाम में। आज अपन जानेंगे ग्रीन टी के बेनिफिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन टी को बनाते कैसे, इसके फ़ायदे क्या क्या है, बालों में इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसको वेट लॉस में कैसे यूज़ किया जाता है और आदि चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, आजकल भी भाग दौड़ भरी लाइफ में खुद को हेल्थी एवं फिट रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दिन भर वर्क, ऑफिस वर्क या कोई और काम में हम अपनी हेल्थ की परवाह करना भूल जाते हैं, या फिर कहीं पार्टी या वेडिंग में हम टेस्टी में कुछ ज़्यादा खाकर बॉडी को अनफिट कर लेते हैं, जिससे कि हम मोटे या कहीं से पेट मोटा बेशेप बॉडी हो जाती है। इसी को ध्यान में रखकर मैं आज आप दोस्तों की अच्छी सेहत के लिए लीफोर्ड कंपनी की ग्रीन टी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं ग्रीन टी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। ग्रीन टी जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो कि आपके हार्ट को स्वस्थ रखती है। इसमें कैफीन पाया जाता है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे कि हमारा वजन घटता है। इसको पीने से इंसुलिन बैलेंस रहता है, जो कि हमारे वजन को घटाता है। और ग्रीन टी में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ग्रीन टी में कैलोरी का ही नहीं पाई जाती है। ग्रीन टी में EGCG जिसको एपीमेनोफेट किन थ्री गिलट कहते हैं, जो कि शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वजन को कम करना करता है, जिसका वर्क रहता है। जब भी दोस्तों ग्रीन टी की बात आती है तो सबसे पहले फिटनेस की बात आती है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वजन घटाने के मामले में ग्रीन टी के साथ साथ अपनी डाइट एवं नियमित एक्सरसाइज व योग करना भी जरूरी है, जिससे कि थोड़ी कैलोरी फैट कम होने लगता है। ग्रीन टी में के कई फायदे हैं। ग्रीन टी में फ्लोरिड पाया जाता है, जिससे कि दांत खराब नहीं होते। ग्रीन टी में पॉलीफेनोल्स पाया जाता है, जो कि ग्लूकोज को संतुलित रखता है, जिससे कि शुगर या डायबिटीज़ कम हो सकती है। ग्रीन टी में EGCG मौजूद होता है, जो कि टी सेल्स को बढ़ाकर हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे कि हमारा शरीर रोगाणु से सुरक्षित रहता है। ग्रीन टी में विटामिन ECB भी होता है, जो कि हमारे पाचन तंत्र को मजबूत रखता है। ग्रीन टी त्वचा, बालों या चेहरे के लिए फायदेमंद होता है। एक चम्मच ग्रीन टी में 2 चम्मच शहद मिलाकर फेस पर लगाने से त्वचा का रूखापन, बेजान त्वचा दूर हो जाती है और मॉइस्चराइजर भी बनी रहती है। मुहासे के लिए ग्रीन टी को उबाल कर उसको स्प्रे करके फेस के दाग धब्बों भी खत्म हो जाते हैं, इस तरीके से लगाने से। ग्रीन टी और शहद के मिश्रण से चेहरे की झुर्रियाँ भी ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, जिनके बाल झड़ते हो या बाल किसी कारणवश उड़ गए हो या गंजापन हो गया हो या बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, तो इस कंडीशन में 3 से 4 चम्मच ग्रीन टी को 500 ग्राम पानी में डालकर उबाल ले, फिर शैम्पू या कंडीशनर के बाद अपने बालों को ग्रीन टी के पानी से धो ले। इसके इस्तेमाल से बाल अच्छे से बढ़ते हैं और बालों में चमक आती है, बालों का झड़ना कम होता है और बाल नए उगने में मदद करता है। ग्रीन टी के फायदे जानने के बाद, अगर आपने ग्रीन टी पीना शुरू नहीं की तो कोई बात नहीं, अब भी देर नहीं हुई है, आज से इसका सेवन शुरू कर दें। ग्रीन टी से आपको क्या क्या फ़ायदे हुए कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मैं बताता हूं आपको इसको बनाने का तरीका क्या होता है। इसको बनाने के लिए एक बर्तन में पानी में उबाल लें, एक पाउच डाल लें, थोड़ी देर इसको घुलने दें, फिर उतार लें। आप चाहें तो स्वाद के लिए इसमें शहद भी डाल सकते हैं। अगर ये आपको ज़्यादा कड़वी लगे तो इसको नाश्ते या खाने के 1 घंटे बाद पिएं। ब्रेकफास्ट या खाने के तुरंत बाद ना पिएं। इसमें दूध या चीनी ना मिलाएं, इसको भूखे पेट पिएं। तो दोस्तों, ग्रीन टी ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसमें लेमन फ्लेवर होता है और 25 इसके अंदर टी बैग्स निकलते हैं। टी बैग्स का मतलब ये, मैं आपको खोल के बताता हूँ ये कैसे निकलती है। बैग है दोस्तों, ये इस तरीके का ये टी बैग निकलता है। जो मैंने आपको बताया तरीका बनाने का, उस तरीके से इसको बना ले दोस्तों। ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध हो जाएगी। और दोस्तों, इसकी MRP की बात करें तो 180 रुपये इसकी MRP होती है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो ये दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बनाएगा। थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स, सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल।